हमारा कितना अच्छा प्लेटर बना है आज, सही लग रहा है, घर से आया है बिल्कुल। ऐसे सर होता है, ये देख। अस्सलाम वालेकुम जी, वीर एंड वीर न्यू। ये व्लॉग बहुत महीनों पहले का है, लेकिन मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, मैं कह चलो आज तेरे नाल शेयर कर देवा, क्योंकि स्टोरेज हो गया फुल। और सबसे पहले यहाँ पर हम धनिया, हरी मिर्चें, ये सब काट रहे हैं। ये मैंने लिया है लैम का कीमा, ये 1.5 किलो कीमा है। उस तो बाद मैंने याद आया कि हाँ है मसाले इंजी रोल दे फिर देने, मैं लियादियाँ सन नवियाँ जियाँ शीशियाँ, तो मैं क्या चलो इन्हों दे विच मसाले सोने जे पा के रखा, क्योंकि आज मैं मैरीनेट बड़ा कुछ करना है, तो उदे वास्ते ज़रा मेरे सामने पईयां होणगियां शीशियाँ, तो वधिया काम हो जाएगा। तो ये देखें, ये इलायचियाँ, सुमक, तो बड़ा कुछ सी। बहरहाल जी, असी दुकान अपनी ला ली, कीमे च पहला असी पाया लाल मिर्चा, फिर सुक्का धनिया, फिर जीरा, और फिर ये जो मैंने नमक भी डाला ये देखें, और जिन्ना हरा मसाला कटिया सी वो पा के, फ्राइड अनियन थोड़े से डाल के इसको हमने मिक्स कर लिए। ऐ तुसी वेखोगे इन्हां दियां छोटियां छोटियां जिहियां टिक्कियां बन दियां पईयां ने, और ये बड़ी ही ज़बरदस्त डिश है और इतनी मज़ेदार बनती है कि तुसी खाओगे तो बस फिर खाते ही रह जाओगे। इन्हां नूं फ्राई करना सी, पर मैं कह जरा हले मैं ठहर जावां, आज काम बड़ा कुछ से करने वाला। और बैंगन देखें, इस तरह से आपने बारीक बारीक से स्लाइसेस काट लेने हैं, ऐसे देखें बारीक बारीक से काट के, और फिर आपने इनको पानी में भिगो लेना है, नहीं तो इनका रंग हो जाना है काला। तो जी देखें, टिक्कियां भी तैयार थी, बैंगन भी तैयार थे, असी कढ़िया अपना लकीर वाला फ्राई पान, तो उहदे विच असी इस तरह ए ग्रिल कर लिया ना, बस सॉफ्ट जे कर लेने ने तुसी, ए जड़े बरीक बरीक ज बैंगन कट्टे सन, ठीक है। इस तरह बस जल्ले दोवां पास्यों लकीर वज जाणगियां उन्हां दे उत्ते, ते तुसी एक लैणी है सोहनी जी प्लेट, ते उहदे विच कढ के, ते वारी वारी सारे तुसी इस फ्राई पान च रखी जाने ने। बस जी, कम बड़ा पेशेंस वाला है, जिहड़े दिन दिमाग ते दिल दी जंग हुंदी होए उस दिन ए कम करो। क्योंकि कम तुसी करना है खामोशी नाल, पर बंदा ते खामोश हुंदा है पर अंदर बड़ा कुछ चलदा हुंदा है। इंज कलेजा भुजिया हुंदा है टिक्कियां वर्गा, जिवें टिक्कियां भुजियां टिक्कियां भुजदियां पईयां ने। तो जे टिक्कियां भी जब हमारी इस तरह से भुज गई, तो हमने टिक्कियां भी अपनी निकाल ली। ऐ ना बड़ा प्रैपरेशन का काम जे। इत्थे हुण मैं चिकन मैरीनेट करन लगी हाँ, इहदे च पाया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसमें हमने डाली क्रीम, इसमें डाला हमने लेमन। ये कोई 600 ग्राम चिकन थी, ये थाई रेड करी पेस्ट है, नमक, मिर्च, सुक्का धनिया, ज़ीरा, मैं कहनी हाँ छोड़ो ना कुछ है, मिक्स कर लो। और ये जब मेरे पास था तंदूरी मसाला, ये मैंने रेड टाइप का जो है ना चिकन टिक्का बनाना था, पर मैं चाहती थी इसमें बहुत सारा फ्लेवर जो है वो हम ऐड कर दें, और देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पे 500 ग्राम चिकन हमने ली, जिंजर गार्लिक डाला, ये कोकोनट और हरी मिर्च की पेस्ट थी, मैंने डाली क्रीम, मैं डालिया सुखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, सुमक, ये एक अरबिक सीजनिंग है बड़ी ज़बरदस्त, और साथ शायद मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला भी थोड़ा सा डाल के, बस एक असी लाल बनानी सी चिकन, तो दूजी असी बनानी सी हरी। लो जी, मैं सारा कुछ रख दिता फिर फ्रीज़र दे विच, क्योंकि अब मैं यहाँ पे मैरिनेट कर रही थी कबाबों का मसाला, कबाबों की सीजनिंग, जिसमें मैंने प्याज लिया, रेड पेपर लई, शिमला मिर्चा लिया, धनिया लिया, ग्राइंड कर लिया। ये कोई 900 ग्राम जो है चिकन थाइस का कीमा था, जेले इंज ग्राइंड हो गया, तो तुसी सारा इहदा जिहड़ा ना पानी वो कढ लेना, नहीं तो तुहाडे कबाबां दा बन जाना जे कीमा शोरबा, ठीक है। तो बस जी, जब आपने पानी इस तरह से निचोड़ के, तो मैं क्या भांडा सौड़ा है, खुले भांडे च पा लो। हाय जलालपुर के लोग जो है ना वो सौड़ा बोलते, जो जो ऐसे कोई ज़रा तंग मुंह वाला बर्तन होता था ना, सौड़े मुंह वाला भांडा। तो जी, इसमें आप देख लें, नमक, मिर्च, गरम मसाले सारे डाल डूल के, एक अंडा डाल के, वो मैंने सारी सीजनिंग डाल के, ऊपर मैंने डाला थोड़ा सा मैदा। तो जी, इसको हमने कर लिया मिक्स अच्छी तरह से। इनू लाओ पासे, तो क्लिंग फिल्म ला के रख दो फ्रिज में, ये बिल्कुल पानी नहीं छड़ेगा। तो बस जी, मैं हूँ अपने किचन की रानी। मेरी हुकूमत इत्थे बड़ी ज़बरदस्त जे, इत्थे जो मेरा दिल करता मैं करनी हाँ, मैं सुट्टा, मैं रोड़ा, मैं साड़ा, मैं पकावां, कोई मैनू कुछ कह नहीं सकता। तो इस तो ज़्यादा हुकूमत दी बंदा तलब करे क्यों है, अपने किचन दा आप बादशाह होए, पकाए, सजाए, सवारे, हैं उन्हों साफ सुथरा रखे,
ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਰਾਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਅਬ ਆਪਕੋ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮ ਇਸਕੋ ਕੈਸੇ ਬਣਾਏਂਗੇ ਔਰ ਕੈਸੇ ਖਾਏਂਗੇ ਇਸਕੋ। ਇੱਕ ਇੰਜ ਲਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਮਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਐਸੇ। अच्छा ये देखें, ये आपने एक इस तरह से लेना है, ऐसे ऐसे सीधा रख लें, दूसरा इस तरह से जो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर ऐसे रख लेना है, ठीक है। यहाँ से एक उठाना है कबाब और ऐसे और ऐसे, दोनों साइड्स ऐसे कर ली, एक साइड ऐसे करके इसको हमने सील कर देना है ऐसे। देखें कितना ज़बरदस्त सील हुआ। अब हमने एक लेनी है टूथपिक, टूथपिक लेनी है ऐसे। ये है चेरी टमाटो, चेरी टमाटो में इस तरह करके और फिर आपने ऐसे कर देना पार्सल। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छा बना है, ये देखिए। ये देखें, ये भी एक इजी तरीका है, इसमें रख के ऐसे आप पहले ऐसे लगा लें, टूथपिक ऐसे लगा लें, फिर ये पकड़ें टमाटर और उसको ऐसे इसके ऊपर कर दें, तो इस तरह भी बड़ा अच्छा जो है वो बन जाएगा ऐसे। ये हमारा लास्ट वन, देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे ये बने हैं ऐसे, ये देखिए। चलें जी, हमारा हो गया कंप्लीट। अब ये ग्रेवी बनेगी टमाटर की, तो ओदे विच जानगे। ये बेसिकली इसको आप टर्किश खाने से भी कह सकते हैं, ज़्यादा रिजेंबल टर्किश खाने से ही करता है ये। मैंने पता नहीं कि डिश है ये, मेरी एक फ्रेंड थी उसने बनाया था ये। आय हाय, मेरे हस्बैंड की वर्क कोलीग, उनके घर हम गए तो उसने ये बनाई थी, तो मैंने कहा चलें आज फिर ये बनाते हैं हम भी और ट्राई करते हैं बना के कैसी लगती है। बस उन्हें मैंने दसिया ही सी कि इस तरह से आप इसको बनाएंगे तो ऐसे बनेगी। मैं क्या वाह जी वाह, ट्राई करते हैं बनाते हैं और इंशाल्लाह फिर जब इसके साथ मैं बनाऊंगी ब्रेड बनेगी, फ्लैट ब्रेड जैसे बनती है ना वैसे, नान टाइप नहीं, थोड़ी थोड़ी जी सॉफ्ट ओदे तरह दी, वो भी ये नाल बननी है। कीमा भी हमने मैरिनेट कर लिया, हमने चिकन के भी सारे मैरिनेट कर लिए। ये आपके घर दावत हो, किसी ने आना हो तो ये आप बना सकते हैं, ज़रा डिफरेंट हो जाता है हमारे दूसरे खानों से भी। तो मैं कह चलो, पर टाइम बहुत लगे लगना है। कल जब जैसे मैंने इसको शुरू किया था, मैं उसके बाद इतना थकी कि बाकी फ्रिज जो काट के फ्रीजर थी वो खाया, ये फिर मैंने थोड़ा कल रेडी कर लिया था, बाकी अब मैंने ये आज कंप्लीट किया, ठीक है। तो चलें अब अगले रेसिपी की तरफ चलते हैं। लो जी, अगो मैं बनाने लगी जी फ्लैट ब्रेड, जी इस प्लेटर के नाल यूज़ होनी है। और मैंने 3 कप लिया प्लेन फ्लावर, और प्लेन फ्लावर दे विच 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बायोकार्बोनेट सोडा और नमक आपने डाल लेना, थोड़ी सी ब्राउन शुगर और थोड़ा सा ऑयल। मेरे को डबल क्रीम पई सी थोड़ी जी, ऐ विच पा देती। और बस आपने इसको कोसे से पानी से मुक्के मुक्के करके पोले पोले हाथों से आपने इसको गूंद लेना, बहुत सख्त भी नहीं गुनना, बहुत नरम भी नहीं गुनना, और बड़ा ज़बरदस्त गूंदा गया। ये देखिए ये हमारा, ये देखिए। तो हमने इसको अच्छी तरह तेल चोपड़ के हमने इसमें रख दिया, ठीक है, इसमें रख दिया। और अब इसके ऊपर हम देंगे कवर, तो बस हमारा जो है, फिर इसको हम रेस्ट देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਵੇਂ ਟਾਵਲ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਵੇਂ ਟਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਨਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ। ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਝੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਗ੍ਰੇ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਗ ਜਗ ਜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਮ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਜੀ, ਹਮਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੀਟ ਮੈਰੀਨੇਟ, ਕੱਲ੍ਹ ਹਮਨੇ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਆ ਥਾ ਔਰ ਮੈਨੇ ਉਸਕੋ ਫ੍ਰਿਜ ਮੇਂ ਰੱਖ ਦਿਆ ਥਾ ਓਵਰ ਨਾਈਟ ਕੇ ਲੀਏ। ਅਭੀ ਹਮ ਉਸਕੋ ਨਿਕਾਲ ਲੇਂਗੇ ਔਰ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਰੈਡੀ ਚੀਜ਼ੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ। ये देखें, ये जो मैंने चिकन और ये मैरिनेट की थी चीजें इस तरह से, और तुसी कहोगे कल मैं आज फिर ओंजी ओंजी तैयार होके आ गई हूँ कि तुसी वीडियो च कंफ्यूज ना हो, वो वीडियो तुम लगे कि एको दिन नहीं चली है, ठीक है। ये देखें, ये भी मैंने बनाए थे, इनको भी इधर रखते हैं ऐसे। अभी इसका मसाला बनाऊंगी और ये देखें, और ये कीमा, ये जो हमने मैरिनेट किया था ये। तो अब हम आने लगे हैं एक्शन में इन सारी चीज़ों के साथ। इत्थे बनन लगा जी साढ़े गुलाब के फुलां का मसाला जिहड़े असीं बना के रखे ने, प्याज जिंजर गार्लिक ब्राउन करके एक टीन टमाटर उसमें डोल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, यहाँ तक भुने कि जब तक वो अपना घी जो है वो ना छोड़ दे, ऑयल ना छोड़ दे। नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया जीरा और हाफ टी स्पून सुमक का वो आप इसमें डाल दें और इनू चंगी तरह तुसी भुन लवो। एदी ना बस ग्रेवी बड़ी सोहनी बननी चाहिए है। पानी गर्म थोड़ा जा विच पा के और उसकी स्मूथ सी ग्रेवी आप बना लें। फिर ये जो हमने सोहने से लगाए हुए हैं, मैं कहती हूँ बैंगन ते कीमा की कुछ, मैं कहनी हाँ अंदर की कुछ हुंदा है, पता लगता अंदर की कुछ है, किड़ियाँ किड़ियाँ वधिया शैवां ने अंदर कीमे की टिक्की, अंदर किसी ने पता है बताऊँ उत्ते कीमे की टिक्की है। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी, इसको शाशलिक भी कहते हैं, एक ग्रीन चिकन जो बनी हुई थी वो थी हरी चिकन और एक थी ये लाल चिकन। बस इस तरह सी अपने स्क्यूअर्स के ऊपर हमने लगा लिया और इस तरह से लगा के इसको मैंने फिर ये देखें जी यहाँ पे हमने रेडी कर लिए और इधर भी लग रहे हैं, ग्रीन वाले लग रहे ने, रेड वाले लग रहे ने, तो सोहने जे ए वेखो किड्डे शानदार तैयार हुए। बस जी काम तो बड़ी मेहनत है बंदे दी, मैं कहनी हाँ बस हो जाती है, पर आप लोगों के लिए मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ ताकि जो न्यू मैरिड लड़कियाँ हैं जिनकी शादी हुई है, जिनको नहीं पता, जो डिफरेंट चीज़ें सीखना चाहती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखें और वो कोशिश करें अच्छा खाना बनाने की, क्योंकि खाने नाल ही जड़ा जे ना बंदे दी वैल्यू हुंदी है, जड़ा खाना चंगा बनाए हर जगह ते उसे बंदे दी गल हुंदी जड़ा खाना चंगा बनाए, पता है किड्डा वधिया खाना बनाउंदी, अच्छा उहदे घर जाने उह वधिया खाना बनाउंदी, गल ही खाने दी हुंदी हुंदी है। ते इत्थे जी बनदे पए जे चावल, जीरा और दालचीनी डाल डूल के इसमें नमक डाल के पानी ने जो उबालियां मारी तो हमने इसमें चावल डाल दिए, ये भी बड़े नाइस से चावल बनने हैं। नाल मैं कीमा कढ़ता था दसांगे अगों की करना है, येलो कलर थोड़ा सा डाल के हमने रख दिया। अच्छा ऐ जड़ियां ने ना ऐ मैं बनाण लगी हाँ फ्राई पैन दे विच इस तरह ग्रिल वाले जड़े ने ना कबाब ओ, और मैंने सारे बना के इसको रख दिया इस तरह से चूल्हे के ऊपर इतनी देर में हमारे ओवन से, क्योंकि साढ़े चावल भी तैयार सन, साढ़े शैशलिक कबाब भी बन गए और साड़ी ए भी चिकन जड़ी है रेडी। हर चीज़ जो है ना वो गर्म गर्म सर्व हो तो तभी मज़ा आता है, ठंडा खाना जड़ा जना उदा कोई मज़ा नहीं रह जाता, तो इसलिए कोशिश किया करें टाइमिंग ऐसी हो। ये इमली का पानी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और ये है दही, दही को भी थोड़ी सी लस्सी की तरह बना के ये भी डाल देना, कबाब बड़े ही जूसी बनेंगे। तो मैं कह रही थी आपकी टाइमिंग खाना सर्व करने की ऐसी होनी चाहिए कि तुहाडा खाना पाइपिंग हॉट हो, गर्म ठंडा खाना रखो या माइक्रोवेव च गर्म करो, वो गल नहीं बनती।
ये जी मैं फिर इधर आई इस किचन में, मैंने कहा इलेक्ट्रिक चूल्हे के ऊपर फ्लैट ब्रेड मैं इसमें बना लूं, और ये देखें ये यहाँ पे बड़ी अच्छी बन रही थी। इस वीडियो के और भी क्लिप हैं जो शायद मैं कल वाली वीडियो में शो कर दूंगी, वो पता नहीं कार देख मेरे स्टोरेज फुल हो जाता फिर मैं कहनी कोई होर अपने कैमरे च बना लवे, तो वो मैं कल आपके साथ थोड़े से शेयर कर दूंगी। और तो ये जी देखें हमारी फ्लैट ब्रेड बन रही थी, मैं चावल भी अपने ले आई और चौल वेखो जी किड्डे वधिया वखरे वखरे। और मैंने पहले भी कहा कि खाना प्रेजेंटेबल आपको आना चाहिए, आपने खाना कैसे अच्छी तरह से सर्व करना है। तो यह भी क्लिप फरे किधर गया जड़ी मैं डिश दे वेचे चीज़ां सारियां पाइया हैं, बहरहाल यह वेख लो फुल गुलाब दे चले जे चौलों के उत्ते हैं, बैंगन वेखो बैंगन है, बैंगना नू असी कुछ समझते ही नहीं, तो बैंगन की वेखो किड्डी वैल्यू, जे बैंगन दे विच पिया कबाब दी टिक्की और उसके ऊपर लगा है टमाटर, उहदे उत्ते लगी जे पेपर। मैं कहनी हाँ डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों में जो खाने बनते हैं ना वो बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं, सीखने चाहिए ने, वह भी चीज़ा बनानियाँ चाहीदियाँ ने और नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। बस जिंदगी दे नाल ही एक खास उम्र के हिस्से तक असी कुकिंग भी कर सकते, एक खास उम्र के हिस्से तक असी खा सकते, तो कोशिश करें अपनी फैमिली के लिए अच्छा से अच्छा खाना बनाया करें। देखें जी प्लेटर कितना ज़बरदस्त बना, और इस वेले मेरे भी 12, 13, 14, 15, 16 बज गए सर थक टुट के मेरा बुरा हशर हो गया सी, और मैं कह लो जी खाओ हूँ पक गया जे। लेकिन मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो आप सबके लिए भी होती हैं, यहाँ मैंने आपसे चाही थी इजाज़त। और ये मैं इधर आई थी दूसरे किचन में, यहाँ भी मैंने एक फ्लैट ब्रेड इस पे बनाई, मैंने कहा आपको बना के दिखा दूँ। ये जा रहा था जीना के घर चावल और ये सारा कुछ उसके घर भेजा बना के, ये देखें ज़बरदस्त सा। और इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।